न्यूजीलैंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ डॉक्टर एशले प्लोमफील्ड भी कोविड 19 का शिकार हो गए ने। दस दिए कि एशले प्लोमफील्ड इस वेले स्विट्जरलैंड गए हुए सन, जिथे न्यूजीलैंड नू वापसी समय उन्हां दी कोविड 19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते वह हुण स्विट्जरलैंड दे विच कुछ दिन आइसोलेट रहणगे। उधर न्यूजीलैंड दे विच कोविड 19 दे नाल होण वालियां मौतां दा सिलसिला रुकण दा नाम नहीं लै रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूजीलैंड से कोविड 19 के चलते 25 लोग अपनियां जानां गवा चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वालों इस संबंधी जानकारी देंदे दस्या गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान जिथे 25 लोगों की डैथ हुई है, उत्थे ही 6,862 नवे केस भी सामने आए हैं। उन्होंने दस्या कि 350 लोग अजे भी वख-वख हस्पतालों के विच दाखल ने, जिन्हां दे विचों 10 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। अज सामने आए केसों के विच सब तो ज़्यादा केस ऑकलैंड के नाल जुड़े हुए हैं, जिथे 2292 केस रिकॉर्ड किए गए। इस दे नाल ही कैंटरबरी के 1078, वाइकाटो 505, सदरन 484 ते होर भी वख-वख इलाकों के सैकड़े केस सामने आए हैं।